अभिलाष वन्नो। हे गाइस, हाय, आई होप यू डूइंग गुड। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने व्लॉग्स यूट्यूब पे वापस स्टार्ट करूँ। आई नो आप लोग मुझे ऐसे देख के थोड़ा सा अनयूजुअल लग रहा होगा, क्योंकि मेरे व्लॉग्स जनरली ऐसे नहीं होते। बट आई डोंट नो यार, वो वैसे नमस्कार, मैं हूँ मिताली, मैं हूँ आपकी बदमाश बनो, ये करना मुझे थोड़ा कोई ठीक नहीं लग रहा है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सीरीज लाइक यू नो लाइक मेमोरीज विद गुम, मेमोरीज विद आशिकाना, एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद इट शो यू माई नॉर्मल डेली व्लॉग्स। बिकॉज मुझे बहुत सारे लोग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे लिखते रहते हैं कि मैम आप अपने डेली व्लॉग करिए, हम देखना चाहते हैं व्हाट यू डू इन योर नॉर्मल लाइफ एंड ऑल दैट। सो आई थॉट व्हाई नॉट स्टार्ट विद दैट बिट एज वेल, क्योंकि मेरे घर पे भी आप लोगों को बहुत एंटरटेनमेंट देखने के लिए मिलेगा रियल लाइफ में। सो गाइस, राइट नाउ आई एम एट माय हस्बैंड्स ऑफिस एंड आई एम गोइंग टू शो यू लिटिल बिट माय हस्बैंड जो बैठे राजगद्दी पे। हाय बेबी। सो दिस इज हिज ऑफिस। अब थोड़ा सा इसका ग्लिम्प्स ले लो, बाकी का मैं आपको एक लंबा अच्छा वाला टूर बाद में दे दूंगी। ओके, मैं यहाँ ऑफिस में अपना व्लॉग ही एडिट करने के लिए आई हूँ, इसीलिए आईपैड इस पर चल रहा है एडिटिंग। फिर थोड़ी देर में घर जाऊंगी, क्योंकि अभी तो रुद्रांश स्कूल में है और थोड़ी देर में वो वापस आएगा, फिर मैं घर जाऊंगी। तो रुद्रांश और घर के बारे में भी आपको कुछ ना कुछ चीजें दिखाऊंगी। आप लोग आई होप जानते हैं कि मेरे घर पे मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरा बेटा रुद्रांश है, मेरी चिवावा कीवी। ये है कीवी रानी। रानी इसलिए क्योंकि ये नीचे खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं करती है, इसलिए हर बार इनकी प्लेट ऊपर रख के देनी पड़ती है। तो हुई ना ये रानी। और एक हमारे लाइफ में न्यू एंट्री है टूटू, इनसे मिलिए। ये है टूटू। टूटू हमारे घर में कब आई, कैसे आई, ये किसी और ब्लॉग में बताऊंगी। अभी के लिए आप ये सुन लीजिए कि अगर कीवी रानी है तो टूटू महारानी। शी इज अ कैट, शी इज अ रेस्क्यू। और हमारे दादू भैया जो हमारे साथ रहते हैं और हमारे लिए काम करते हैं, हमारी सेवा करते हैं बहुत सारी, वो हैं। और बाकी की चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे दिखाती रहूंगी। ऑलराइट, सी यू। बाय द वे, आज का जो ब्लॉग है, आज का ब्लॉग बहुत ही इमोशनल होने वाला है। सो गाइज, आप लोग अपने हैंडकरचीफ्स या तकिया, जिस पे भी आपको रोना अच्छा लगता है, वो प्लीज लेकर साथ में बैठिए, क्योंकि आज का मेरा ब्लॉग है मेमोरीज विद गुम का एक ऐसा पोर्शन जो कि बहुत ही इमोशनल था हम सब लोगों के लिए। ओके, आई होप यू लाइक इट। नमस्कार, मैं हूँ मिताली नाग और मैं हूँ आपकी बदमाश बनो। ये इंट्रो देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि नाउ इज द टाइम फॉर द BTS पार्ट ऑफ माई ब्लॉग। ये ब्लॉग है सम्राट के डेथ सीक्वेंस का। ये ब्लॉग देखकर आप लोगों को समझ में आएगा कि डेथ सीक्वेंसेस शूट कैसे किए जाते हैं। हम लोग जब शूट कर रहे थे तो काफ़ी इमोशनल था। आइए आप लोग भी देखिए। ये वो पार्ट है जहाँ सम्राट का एक्सीडेंट होता है, क्योंकि हम सबको पता था कि अब इसके बाद सम्राट का ट्रैक ख़त्म होने वाला है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो सारे क्रू मेंबर्स का मूड थोड़ा सा लो ही लग रहा होगा। ऐसे सीक्वेंसेस में जनरली डमीज और स्टंट वाले बॉडी डबल्स भी यूज़ किए जाते हैं। बॉडी डबल्स इसलिए क्योंकि दे आर द पीपल हु स्पेशलाइज इन स्टंट्स। जैसे कि स्टंटमैन स्पेशलाइज करते हैं स्टंट में, वैसे ही एक्टर स्पेशलाइज करते हैं उस सीन को एकदम परफेक्टली इनैक्ट करने में, जो कि इस सीन में योगी एके सम्राट ने बखूबी किया है। अगर आप देखेंगे ये वाला सीक्वेंस जहाँ क्लोजअप्स लिए जा रहे हैं उस पत्थर पे उनका सर टकराने के, इट्स क्वाइट रिस्की आई मस्ट से। ऐसे में कई बार एक्टर्स को रियलिटी में भी चोट आ जाती है। आफ्टर ऑल द फेस होल्ड्स अ ग्रेट वैल्यू फॉर एन एक्टर एंड योगी डिड अ ग्रेट जॉब। ऐसे सीन्स शूट करना सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी टैक्सिंग होते हैं। बार बार रीटेक्स देना, सेम मोशन को अलग अलग एंगल्स के लिए बार बार इनैक्ट करना, दैट टेक्स अ टोल ऑन यू मेंटली। इस एक्सीडेंट सीक्वेंस के बाद हम लोग सीधे पहुंचे थे फिल्म सिटी लेक, जहां अग्नि देने का सीक्वेंस शूट हो रहा था। और यहाँ जितना पार्ट आप देखेंगे उसमें अदर देन योगी कोई एक्टिंग नहीं कर रहा था। Everything was real. You down
प्लीज संभालो, प्लीज संभालो अपने आप को। कई बार डायरेक्टर की कट बोलने के बाद भी एक्टर्स का रोना नहीं रुकता था। अरे फायर ऑफ कर दो। जलाने के लिए तो एफजी का यूज किया जाता है, लेकिन ऐसे सीक्वेंसेस में भी क्लोजअप तो एक्टर्स ही देते हैं। किसी अपने को जब आप ऐसी हालत में देखते हैं, चाहे वो एक्टिंग क्यों ना कर रहा हो, तकलीफ तो होती है, पर राहत की बात ये होती है कि वो अपना जैसे ही कट सुनेगा वैसे ही अपनी चिता पर उठकर बैठ जाएगा और मुस्कुराने भी लगेगा। फिक्स क्रेन लॉक बार मैं एडिट करती थी उतनी बार मुझे रोना आता था। एंड आई एम श्योर आप लोगों के लिए भी ये ब्लॉग बहुत इमोशनल रहा होगा, क्योंकि आप सब लोग भी योगी या सम्राट से बहुत अटैच थे, जैसे हम सब हैं आज भी। भगवान मेरे दोस्त को लंबी उम्र दे। इस व्लॉग का सेकंड पार्ट आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी, अभी आपको रियलिटी में ले आती हूं। डिंगिड़गी ए डिंगिड़गी ए डिंगिड़गी ए डिंगिड़गी ए डिंगिड़गी ए। So guys, these are some of the things that keep happening in my house. आपको ज़्यादातर मेरे घर पे टीवी की आवाज़ सुनाई आती रहेगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को टीवी देखना बहुत पसंद है और मेरे बेटे को भी आजकल पसंद आने लगा है। वेल आई ट्राई टू मॉनिटर हिज स्क्रीन टाइम, बट अभी उसने सुबह से टीवी नहीं देखा है, तो ही डिजर्व्स इट टू स्क्रीन टाइम। मेरा सिर दर्द हो रहा है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाऊँगी, बट आई होप आपको आपका बट आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। BTS तो लगा ही होगा, आई होप हमारे घर की थोड़ी बहुत चीज़ें भी अच्छी लगी होंगी। ओके सो कीप वॉचिंग कीप लविंग, थैंक यू।